बहुत बहुत स्वागत है जी। सो कैनेडा टूरिस्ट वीजा प्लान कर रहे हो तो आज का एक अपडेट वाला शो जरूर देखो। आज के साथ गेस्ट ने वीजा ऑफिस तो सीनियर कंसल्टेंट स्नेहा शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। सो कैनेडा टूरिस्ट वीजा च नवे बदलाव की हुए ने, की नवियां रिक्वायरमेंट्स? सर देखो प्रेजेंटली जो कैनेडा का जो हम आप अपलाई कर रहे हैं तो साढ़े को रिक्वायरमेंट्स मांग रहे हैं। पहले कभी इदा रिक्वायरमेंट्स नहीं मंगिया गई। पहले अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉय की गल करिए रिक्वायरमेंट्स आई हैं कि NOC दो या जेडे पेंशन ते सीगे उन्हां तो पूछा गया कि तुसी कित्थे कित्थे जॉब की है, वो रिक्वायरमेंट्स फॉर्मेट्स आए कि आ सबमिट कराओ। हुण लेटेस्ट अपडेट जी असं फेस कर रहे हैं कि मैडिकल मंगना स्टार्ट करता। मेरी रीसेंटली फाइल लॉन्च हुई सी, बट अगे की हुंदा सीगा नो डाउट एम्बेसी है वो तुहाडे तो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स मांग सकते हैं। एक प्लस पॉइंट आ क्योंकि अगर वो वीजा विलिंग आ देने लई तां ही वो तुहाडे को रिक्वायरमेंट्स मांग रहे हैं। रिजल्ट्स भी उस चीज़ दे वधिया आंदे आ। बट अगे की हुंदा सीगा कि मैडिकल दी रिक्वायरमेंट सिर्फ सुपर वीजा च मंगी जांदी सी जिहड़ा पेरेंट्स लई अप्लाई हुंदा सीगा। नॉर्मल कैटेगरी लिए मेडिकल की रिक्वायरमेंट अगे नहीं आती सी, बट प्रेजेंटली मेडिकल की रिक्वायरमेंट आनी स्टार्ट हो गई है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले तो मेडिकल अपलोड करो, हो सकता कोई IRC दे विच आ जाए अपडेट कि तुसी मैंडेटरी हो जाए, बट प्रेजेंटली मैंडेटरी तो नहीं है। बट अगर तुसी अपना पोर्टल चेक करते रहो, अगर रिक्वायरमेंट आती है तो तुसी वो रिक्वायरमेंट नू फुलफिल करो। प्रेजेंटली कैनेडा टूरिस्ट वीजा दा सक्सेस रेट किदा दा चल रहा है, ट्रेंड किदा दा? सर काफी वधिया ट्रेंड चल रहा वा, नो डाउट। अजकल एक न्यूज जड़ी इंडिया और कैनेडा दी हैगी आ ओदा इत्ते कोई इफेक्ट नहीं हो रहा वा। प्रेजेंटली टूरिस्ट विस्टर वीजा दा अगर आपा ट्रेंड देखिए ता काफी यंगस्टर्स दे भी वीजे आ रहे हैं। तुसी साडे पेजेस ते देख सकते हो। मेरे को स्टूडेंट्स दे जेड़े वर्किंग सीगे बच्चे मतलब प्लस टू दे विच स्टूडेंट हैगा, क्योंकि मेरे को बड़ी एक क्वेश्चनिंग आती सी कि प्लस टू दे स्टूडेंट नू इजीली वीजा नहीं मिलता कि उन्हें उत्थे मूव करना, उन्हें नू भी वीजे मिल रहे हैं। तो जेना को स्पॉन्सर हैगी वो तो बिल्कुल इस टाइम नू ना गवाओ, क्योंकि कैनेडा च प्लस पॉइंट भी हैगा कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਣਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਸਨੇਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘਟਾ ਸਕਦੇ? सर देखो मैं जिन्हें भी जो भी साढ़े को क्लाइंट्स आते हैं या कमेंट्स आते हैं रिफ्यूजल केसिस नू स्पेशली गल करांगी कि उन्होंने जिथे लैक किया वो ताकि सब तो मेन कवरिंग लैटर आ। देखो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट सब नू पता है की रिक्वायरमेंट्स हैगियां वा, कि ताड़ा सोर्स ऑफ इनकम की हैगा, उहदे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, सेविंग अच्छी होनी चाहिए आ, तुसी अपने फाइनैंशली सारे दिखाओ, अपने आप नू स्ट्रोंग शो करो कि असीं इत्थे वैल सैटल्ड आ। बट प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि देखो ऑफिसर को इन्ना टाइम नहीं है कि वो एक एक डॉक्यूमेंट की वेरीफिकेशन करे या और देखता होगा, क्योंकि वो जो डिसीजन है वो एप्लीकेशन फॉर्म और कवरिंग लैटर तो होता वा। सो कवरिंग लैटर देखो एप्लीकेशन फॉर्म की गल करिए एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आते जो उन्होंने पूछना आंसर दिता वा, बट कवरिंग लैटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो भी तुसी स्पेशली टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर दो तो ताड़ा सोर्स ऑफ ताड़ा पर्पस ऑफ विजिट बहुत क्लीयर होना चाहिए वा। अगर तुसी होटल कन्फर्मेशन ते कर रहे हो तुसी एक प्रॉपर टूर पैकेज लगाओ कि अपनी डे वन तो लैके जिन्ने दिन भी तुसी दा पैकेज अपना प्लान कर रहे हो उहदी प्लानिंग कवरिंग लैटर च लिखो, फाइनेंशियली सारे दिखाओ, आन दा कारण दिखाओ, क्योंकि कवरिंग लैटर ते फोकस करो, क्योंकि बहुत लोग कवरिंग लैटर ते लैक करते हैं तां ही उहनां दी रिजेक्शन आती है। सो टूरिस्ट वीजा ते जिहड़े भी अपडेट्स आणगे असीं तुहाडे नाल शेयर करदे रहांगे, चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करके रखो। धन्यवाद, थैंक यू। सत श्री अकाल।